अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ बंजारा मार्केट। गुड़गांव में है ये, गुड़गांव 56 में ये पड़ता है। और आजकल ये काफ़ी जो है दिल्ली में फेमस है, दिल्ली NCR में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं। तो चलिए आज देखते हैं यहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो जी, हम पहुँच चुके हैं बंजारा मार्केट में। और बंजारा मार्केट में सबसे ज़्यादा जो आपको वैरायटी मिलेगी वो सेरेमिक पॉट्स की मिलेगी। यहाँ पे छोटे छोटे पॉट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टी सेट, कप सेट और हांडी वगैरह, सर्विंग ट्रे वगैरह, यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी है इन चीज़ों की। और लैंप्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनका प्राइस भी जो है इन लोगों ने वैसे अभी बढ़ा के बताते हैं ये, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद आप यहाँ से अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसका रेट पूछ रही हूँ। तो देखा आपने रेट, ये लोग थोड़ा सा बढ़ा के बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद यहाँ से आप अच्छे चीज़ें खरीद सकते हैं। ये देखिए, सर्विंग हांडी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें देख के मेरा तो दिल करता है मैं सारी की सारी खरीद लूँ, लेकिन बस वही है ना कि जब इतनी सारी चीज़ें देखते हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता कौन सा लें, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो पहले हमने क्या डिसाइड किया कि हम पहले पूरा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्राइस हैं, क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सभी के पास। तो ये देखिए, ये लैंप्स हैं और ये लालटेन वाले, जो लाल टेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल टेन वाले लैंप हैं ये जो है। इसका प्राइस यहाँ पे कोई 100 बता रहा है, कोई 150 बता रहा है। तो मैंने इस तरह के दो लाल टेन या दो लैंप लिए हैं जो कि मैंने 100-100 के लगवा के लिए हैं, और मैंने गोल्डन कलर के लिए हैं। तो बस ये मैं देखती हुई जा रही हूँ चीज़ें क्या क्या हैं। और हमने डिसाइड किया है कि हम वापस उधर से आएंगे तो जो चीज़ें हमें ख़रीदनी है हम वो ले लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही अच्छी वैरायटी है प्लेट्स वगैरह की भी। और ये सब चीज़ें आप अगर अमेज़ॉन वगैरह से लेते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं, लेकिन ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा एंटिक पीस है। इसको 3 pairs के साथ है और ये आई थिंक ये 2500 समथिंग का है। तो बार्गेनिंग करने के बाद आप ले सकते हैं इसको, हाँ एटलीस्ट 1500 तक में ये शायद मिल जाएगा आपको। और ये देखिए, मिरर की वैरायटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो है होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही अच्छी और कम प्राइस में मिल जाती हैं, जो कि आप अमेज़ॉन वगैरह पे सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, तो वहाँ पर आपको बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं। इसका भी प्राइस मैंने पता किया। और ये जो लालटेन है इसका प्राइस भी बड़ी वाली का 1200 है और छोटे वाले सेट का है 900। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे एंटिक पीस आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, बास्केट्स हैं, ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो मैंने भी कुछ चीज़ें ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ली हैं, लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत पसंद आई थी, मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए थी वो मैंने ली हैं। और ये देखिए, कांटे का नाइफ और फोक का बहुत ही अच्छा ये एंटिक सा पीस है। ये देखिए सेट है पूरा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे जैसे आप इस मार्केट में देखते जाएंगे, चीज़ें एक्सप्लोर करोगे मार्केट को, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी और आपका दिल करेगा हर चीज़ को मैं घर ले जाऊँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये छोटी छोटी बास्केट्स हैं और ये चॉपिंग बोर्ड है बहुत ही अच्छा। और ये शायद आई थिंक मैंने इसका रेट पता किया था तो ये इन्होंने मुझे 600 बताया था, लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे तो ये आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। और दूसरे भी हैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड काफ़ी सारे, साथ ही साथ आपको फ़ोटो फ्रेम्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे, और सारे रीज़नेबल प्राइस पर मिलेंगे चीज़ें आपको। आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर बार्गेनिंग करनी है। वैसे ये लोग जल्दी से मानते नहीं हैं,
जब आप इनको प्राइस लगाने के लिए बोलेंगे तो आपको दुकान से जैसे ही चलेंगे आप कि हमें नहीं लेना, तब ये पीछे से आवाज़ लगाएंगे कि आपको भैया क्या देना है क्या देना है करके, तब आप रेट लगा सकते हैं। तो ये देखिए सेरेमिक पॉट्स की, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी है। यहाँ पे सर्विंग पॉट्स हैं सेरेमिक्स में ही, प्लेट्स हैं, छोटे प्लेट्स हैं और फ्लावर पॉट भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये बंजारा मार्केट है, यहाँ पे आई थिंक बंजारा प्रजाति के लोग रहते हैं और ये लोग यहीं पे खाना वाना भी बनाते हैं अपना, और यहीं पे अपना ये सामान भी बेचते हैं। तो इनका सामान भी यहीं पे रखा रहता है, सब खाना पीना भी इनका यहीं बन रहा होता है। और यहीं पे आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी का फर्नीचर भी मिल जाएगा और बहुत अच्छे प्राइस पे। मुझे जहाँ तक लगा फर्नीचर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। तो हर चीज़ का प्राइस पूछना तो मुमकिन नहीं है, यहाँ पे जाके हर चीज़ का प्राइस बता सकूँ मैं आपको, लेकिन कुछ चीज़ों का हमने प्राइस यहाँ पे पता किया और उनका रेट लगवाया तो हम पता चला कि एटलीस्ट आधा आप कर दीजिए। जैसे 3,000 की कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप 1,500 रुपये आप उसके बताइए, या 200 की चीज़ है तो आप 100 रुपये या एटलीस्ट 80 रुपीज़ तक का आपको मिल जाएगा वो सामान। तो इस तरह से मैंने बार्गनिंग की थी। कुछ चीज़ें जिनका आइडिया था मुझे ऑलरेडी, तो मैंने उनके प्राइस पहले पता किए और वो मैंने लोकल मार्केट से जो है जितने में ख़रीदी थी तो उसका ये लोग डबल बता रहे थे रेट, तो फिर मैंने आधे करके चीज़ें ली हैं। जो रेट ये बता रहे थे तो मैंने आधी कर दी हैं, तब मैंने एक दो चीज़ें जो भी ली हैं वो मैंने इस तरह से ख़रीदी वहाँ पे। और बार्गनिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पे, आप बार्गनिंग करके ले सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे ये देखिए मिरर वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कारपेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, स्टूल्स वगैरह हैं। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे कुशंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे कारपेट गली से टाइप के जिस तरह से होते हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाएंगी, और रेट तो आपको लगवाना पड़ेगा क्योंकि ये डबल रेट बताते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इन्होंने मुझे डबल डबल रेट बताया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा डल कलर लग रहे होंगे, ओल्ड सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये ओपन में है तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह है और ये लोग उतने एहतियात से रखते नहीं है चीज़ें ढक ढका के, मतलब उस तरह से। तो जब आप इसे लेंगे ख़रीदेंगे तब आपको ये थोड़ा साफ वाफ करके देंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखिए एंटिक पीस के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे मिरर्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ये देखिए मिरर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छे अच्छे मिरर इनके पास अच्छे अच्छे डिज़ाइन के हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, और ये ना बहुत हल्के होते हैं, आपको ये देखने में बहुत भारी भारी लग रहे होंगे लेकिन ये बहुत ही लाइट वेटेड है। और इसी शॉप पे जैसे आपको फर्नीचर भी नज़र आ रहा होगा, ये लैंप्स नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत ही खूबसूरत लैंप्स हैं और ये बड़े वाले लैंप्स का रेट जो है तकरीबन 1500-1200 इन्होंने बताया है, बाकी आप इस लगवा सकते हैं यहाँ पे। और ये बॉटल्स मुझे बहुत ही प्यारे लगे, ये देखिए इसका रेट मैंने पूछा था, इसका 3000 इन्होंने रेट बताया था। और ये देखिए ये आपको घोंसले टाइप से कुछ मिलेंगे, ये इसको हैंग कर सकते हैं आप, ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। इसके अलावा ये वाले लैंप्स और भी खूबसूरत लग रहे थे, कलरफुल लैंप्स हैं ये, ये देखिए। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलेगी चीज़ों की, एंटीक पीस मिलेंगे आपको यहाँ पे, होम डेकोर के लिए बहुत ही अच्छे लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेंगे और बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी जो कि आपको दूसरे किसी मार्केट में इतना कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको मटेरियल मिलेगा, वैरायटी मिलेगी जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं अच्छी चीज़ें। ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत लगा मुझे,
तो बंजारा मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी। जब आप जाएंगे तो आप खुद आपको पता चलेगा यहाँ पे कैसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, जब भी आप यहाँ जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बहुत सारी चीज़ें आप लेके आएंगे, अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं तो। क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दिल हो गया यहाँ पर जाके, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले भी ली यहाँ से, तो मुझे यहाँ पर जाके बहुत अच्छा लगा। और कुछ चीज़ों के मैं रेट नहीं लगवा पाई तो वो चीज़ें मैं छोड़ के आ गई, क्योंकि अपनी भी जिद होती है ना कि मुझे इतने में ही लेना है, तो इस वजह से मैं छोड़ आई। बाद में मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि 100-200 रुपए के लिए मैं छोड़ के आ गई, बट बहुत अच्छी चीज़ें थी। आप जाइए, और हमने यहाँ से क्या क्या लिया वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और बंजारा मार्केट से निकलने के बाद हम लोग डोमिनोज चले गए थे, और हम लोग आज पहली बार जो है 7-8 महीने में जब से लॉकडाउन लगा है तब से आज पहली बार डोमिनोज गए थे। और डोमिनोज में जाके हमने पिज़्ज़ा खाया, हमारा ने ये चॉकोलावा केक खाया। बहुत दिनों बाद हम लोग यहाँ पे गए। तो चलिए फिर क्या क्या खरीदा वो मैं करती हूँ आपके साथ शेयर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।